बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट 400 करोड़ी बनने को, पठान बेकरार, गांधी गोसे के साथ वारिसु और थुमिवु का खेल खत्म। इंडिया फिल्म रिव्यू स्वागत है, चलिए हम आगे बताते हैं। संपूर्ण रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। सिनेमाघरों में शाहरुख खान की वापसी ने सबको हिलाकर रख दिया है। फैंस से लेकर विरोधियों के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है और वह है पठान। पठान ने आते ही बॉक्स ऑफिस का मौसम बिगड़ दिया है। इससे टकराने वाली हर फिल्म इस समय बॉक्स ऑफिस पर पानी भरती नजर आ रही है। चाहे वह गांधी गोसे एक युद्ध हो या फिर साउथ सिनेमा के दो सुपरस्टार्स की फिल्में वारिसु और थुनिवु। जहां बीते दिन इन दोनों के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, वहीं इस बीच अब बॉक्स ऑफिस पर लगी चारों फिल्मों के बुधवार के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। पठान। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है। फिल्म के लिए लोगों के दिलों में जो क्रेज बना हुआ है, उसका असर साफ इसकी कमाई पर देखने को मिल रहा है। फिल्म की इसी ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। पठान ने अपने 8वें दिन 18 करोड़ रुपए का कारोबार किया। पठान के कुल कलेक्शन की बात करें तो शाहरुख, दीपिका और जॉन की फिल्म ने 358 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। गांधी गोसे एक युद्ध। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी गांधी गोसे एक युद्ध को लेकर फिल्म की रिलीज से पहले ही घमासान मचा हुआ था। हालांकि फिल्म के लिए सबसे निगेटिव पठान से टकराना रहा है। शाहरुख खान की फिल्म के साथ ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली यह फिल्म पहले दिन से दर्शकों के लिए तरस रही है और सातवां दिन आते आते तो फिल्म का हाल बेहाल हो चुका है। फिल्म ने बुधवार को महज 14 लाख रुपए की कमाई की है, जिसके बाद इसका कलेक्शन 2.25 करोड़ हो गया है। वारिसु। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने फिल्म वारिसु से एक बार फिर दर्शकों को अपना एक्शन अवतार दिखाया है। अभिनेता का यह रूप वैसे तो फैंस को खूब भाया, लेकिन अब इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है। फिल्म की कमाई अब लाखों में सिमट कर रह गई है। 22वें दिन वारिसु ने 71 लाख रुपए कमाए हैं, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन 165.4 करोड़ हो गया है। थुनिवु। अजीत कुमार हर बार अपनी उम्र से जुदा अवतार दिखा लोगों को चौंकना नहीं भूलते हैं। एक बार फिर अपने एक्शन अवतार से सबको अचंभित करके अजीत ने स्क्रीन पर खूब धमाल मचाया है। वारिसु के साथ रिलीज हुई थुनिवु की कमाई भी अब दिन ब दिन घटती जा रही है। थुनिवु ने 22वें दिन महज 53 लाख रुपए का बिजनेस किया है।